भाई आई थिंक कुछ लोग लेगेसी बनाते हैं, सो रणविजय सर उनमें से एक हैं। बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसा मुझे लगा कि यार आई एम नॉट गुड फॉर दिस शो। आई थिंक मेरे तो होश उड़ गए उस दिन, मैंने 10 लोगों को दिखा दिया। मैं कहा दिखा क्यों रहा हूँ, मैं अभी तो हुआ तो नहीं ना, यू नो एक्साइटमेंट हो जाती है अचानक से। बट कमिंग फ्रॉम बोहेमिया पाजी इट वॉज लाइक यू नो ड्रीम कम ट्रू, मजा आ गया। तो मुझे लगता है कि जैसे रणविजय सर को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था ड्यूरिंग द सीजन, एंड तनुज भाई को भी सब लोग उतना प्यार देने वाले हैं आई फील। और उस दिन ना मैं हामिद से मिला था और मैंने हामिद को बोला था भाई ये सीजन बहुत टॉक्सिक हो रहा है और अब मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे खुद के दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आई क्राइड उस दिन, मैं फटाई इसलिए क्योंकि मेरा ना बहुत दिमाग खराब था। बट मैं वो नहीं हूँ, अगर मैं कोई सामने से बोलता, कोई मेरे लिए बोलता, फिर बिलो द बेल्ट जाने वाली चीज़ें हो जाती थी। हाई यू आर वॉचिंग अस ऑन बज़ूका। तो भाई यहाँ पर मेरे साथ अभी दो देसी बॉयज़ जो फिलहाल मतलब कहना चाहेंगे बहुत तगड़ा चले, बहुत अच्छा खेले और कहीं ना कहीं जनता का दिल भी जीता। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उनके बारे में जो इस शिप को चला रहे थे, कैप्टन ऑफ द शिप ये सर, क्योंकि कहीं ना कहीं रणविजय जी को भूलना बहुत मुश्किल हो रहा था ऑडियंस के लिए। फिर इन्होंने जिस तरीके से एंट्री ली वो भी नर्वस थे पर धीरे धीरे अपनी पैर जमाई। क्या कहना चाहेंगे इस नए होस्ट और दोस्त के बारे में? भाई आई थिंक कुछ लोग लेगेसी बनाते हैं, सो रणविजय सर उनमें से एक हैं, एंड कोशिश हर एक इंसान को करनी चाहिए लेगेसी बनाने के लिए। तो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोस्त कि जो ये चीज़ क्रैक कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने चाहते इंसान को शो पे देखने के लिए। एंड जब हम लोग शो पर आए थे तो लोग बोले थे यार देखना है कि डांस सेट कर क्या करेगा शो पे, यू नो रोडीज पे भी। तो आई थिंक हर एक दिन एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जैसे रणविजय सर को सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था ड्यूरिंग द सीजन, एंड तनुज भाई को भी सब लोग उतना प्यार देने वाले हैं आई फील। एंड आई वुड से कि ये उनके लिए आई गेस फर्स्ट रियलिटी शो था और इस रियलिटी शो में इतना ज़्यादा ड्रामा था, लोगों को संभालना इतना मुश्किल था, एंड ही वॉज द बेस्ट पर्सन टू डू इट बिकॉज ही वॉज एबल टू इवन टॉक टू एवरी कंटेस्टेंट और हर एक को उनसे कनेक्ट कर पा रहा था, हर एक को समझाना। इट वॉज वेरी मच डिफिकल्ट और उनकी एनर्जी इट वॉज दैट क्रेजी कि अगर आप उनके साथ खड़े हो और आप बहुत ज़्यादा ऑफ हो तो आप एकदम से एनर्जेटिक फील करते थे। ही इज़ लाइक दैट पर्सन। तो बहुत ज़्यादा अच्छी होस्टिंग और मेरे को लगता है कि वो नेक्स्ट सीजन भी अगर वो होस्ट करते हैं तो पीपल विल एक्सेप्ट हिम और ही इज़ द बेस्ट होस्ट। मेरे को रणविजय सर का भी नहीं पता कि उन्होंने कैसा होस्ट किया है, कभी काम नहीं करा, बट तनु सर वॉज बेस्ट आई वुड से। अगर बात करूँ भाई इस जर्नी के दौरान कब ऐसा हुआ कि कब लगा कि अब ये गेम छोड़कर जाना चाहिए, बहुत हो गया? इन द बिगनिंग ऑफ इट जब पिक्चर देखी। नहीं भाई, फॉर मी इट वाज लिटिल डिफिकल्ट, यू नो चाय की चर्चा पे हम लोग बैठे हुए थे और उस दिन ना मैं हामिद से मिला था और मैंने हामिद को बोला था भाई ये सीजन बहुत टॉक्सिक हो रहा है और अब मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे खुद के दोस्त मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। आई क्राइड, यू नो आई मतलब मैं अकेले में जाकर रोकर आया और मैं चाय की चर्चा पे आया। उस दिन मैं फटाई इसलिए क्योंकि मेरा ना बहुत दिमाग ख़राब था क्योंकि सब लोग बोल रहे थे जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो फिर मेरे को लगा कि यार इट्स टाइम टू गेट बैक और ये जो थोड़ा इमोशंस इनको दबाते हैं थोड़ा दिमाग यूज़ करते हैं। तो उस टाइम पे फिर थोड़ा सा हो गया था ऐसा कि भाई या तो छोड़ के चले जाओ या तोड़ के चले जाओ। मेरे लिए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे, मतलब बेसिकली ऐसा होता था डोम सेशंस में कि बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ें बाहर आ जाती थी, पर्सनल एज इन कोई मुझे कुछ पर्सनली ऐसे अगर आपको कोई येलिंग, समवन इज़ येलिंग एट यू एंड कोई पिंच कर रहा है तो आपको भी लगता है कि मैं बोलूँ, बट मैं वो नहीं हूँ। अगर मैं कोई सामने से बोलता, कोई मेरे लिए बोलता, फिर बिलो द बेल्ट जाने वाली चीज़ें हो जाती थी। तो ऐसा बहुत जगह मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे सीज़न नहीं करना, आई एम नॉट फॉर दिस। मैं ऐसा इंसान हुई नहीं कि मैं किसी के लिए कुछ गलत बोलूँ और वही स्क्रीन टाइम में मिल रहा था लोगों। अगर आप किसी के लिए गलत बोल रहे हो तो वो मिलेगा तुम्हें अगर शो से, तुम्हें फिर मतलब वो स्क्रीन टाइम मिलता है, सबको पता है। बट बहुत सारे पॉइंट्स पे ऐसा मुझे लगा कि यार आई एम नॉट गुड फॉर दिस शो। आई थिंक थ्रू आउट द सीजन ना व्हाट आई फील, ऐसी ऐसी सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे ना लड़ना ही पड़ा है। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपको पता है इंसान गलत बोल रहा है बट आप उसको कुछ बोल ही नहीं रहे हो वापस, क्योंकि ऐसे लगता है कि यार मुझे इतना गलत नहीं करना है, मुझे इतना नहीं गिर जाना है, मुझे ये सब चीज़ें बाहर नहीं निकालनी है। एंड देन सब लोग ब्लेम करते हैं कि यू नो कि तुमने किया है ये किया है, बट यू नो व्हाट आई फील, जब आप सही होते हो ना तो आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, आप ऑलरेडी जीत जाते हो। बस भाई जाते थे, बता दीजिए आपका गाना जल्दी आने वाला है, क्या बताना चाहिए? भाई मतलब ये तो आपने थोप दिया है, मतलब आई एम ऑल्सो वेटिंग। भाई पाजी ने मतलब यू नो मैसेज डाला था और मेरे तो होश उड़ गए उस दिन, मैंने 10 लोगों को दिखा दिया। मैं कहा दिखा क्यों रहा हूँ, मैं अभी तो हुआ तो नहीं ना, यू नो एक्साइटमेंट हो जाती है अचानक से। बट कमिंग फ्रॉम बोहेमिया पाजी इट वॉज लाइक यू नो ड्रीम कम ट्रू, मज़ा आ गया। भाई इस जर्नी के अलावा आप एक बहुत अच्छे बिजनेस मैन, क्या बताना चाहिए किस तरीके से चल रहा है भाई वो काम? यार इट्स गोइंग ग्रेट, आई रन माई ओन मार्केटिंग एजेंसी और मेरे को मतलब मैंने शो में भी सबको बता था कि मैं एक ऑफकोर्स छोड़ नहीं यार छी कंपनी नहीं, बट हाँ मैं आई डू इन्वेस्टिंग इन माई बिजनेस। मैं बहुत सारे बिजनेसेस में स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता रहता हूँ और बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्रेजी चल रहा है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ नई चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा क्रेजी। और गाइस इससे एक लास्ट में जाते थे, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लक्ष्य अब डेली चड्डियाँ चेंज कर रहे हैं। भाई बस उसका रीज़न ये कि इसने मेरी सारी चड्डियाँ वापस कर दी हैं जो इसने पहनी थी।